साथ नमस्कार। एक बार पुनः हम सत्याग्रह पार्क के आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। अभी हमारे साथ दो भैया हैं, एक भैया एक दीदी है। इन्होंने हमसे विचार अपने रखने की बातें कही, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है मैम, अभी आप गांधी जी के बारे में क्या विचार रखती हैं, क्या सोचती हैं? अभी हम फिलहाल हैं सत्याग्रह पार्क में, और सत्याग्रह पार्क में बहुत कम लोग इधर उधर की पार्क में ज़्यादा जाते हैं। ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, पूर्वी चंपारण 1917 की घटनाओं से, जिनसे आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज ये वही भारतवर्ष है जहाँ में कोई अंग्रेज नहीं है, कोई हम पे जुल्म सितम कसने वाले लोग नहीं है, और आज हम लोग खुली हवा में बात करने के लिए तैयार हैं। देख रही है मैम, हम लोग अभी जिस स्थान पे हैं, ये जी मैम बोलिए, हम लोग अभी जिस स्थान पे हैं वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जिसे सदियों तक हम भारतवासी याद रखेंगे। बिल्कुल, गांधी जी हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सारी शिक्षाएं उन्होंने जो अपने थ्रू अपने उन्होंने जो हमें दी है, अगर उनसे हम सीख लेते हैं तो हमारा भी व्यक्तित्व एक व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद भारत में जब आए 1915 में आए वो भारत, और उन्होंने 1917 में अपनी पहली सत्याग्रह के लिए इस धरती को चुना, हमारे बिहार की धरती को चुना, ये कितना गौरवान्वित है हम लोगों के लिए। हम लोग बिहारवासी हैं और बिहार की धरती को उन्होंने अपने पहले सत्याग्रह के लिए चुना, और वो भी सत्याग्रह काफ़ी सफल हुई। जी 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 बिल्कुल, गांधी जी सच में एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हें उनके बचपन काफ़ी मतलब जो एक लग्जरियस लाइफ कहते हैं उनसे उनकी बचपन गुजरी। जी जी, कोट पैंट शर्ट और एक अच्छे से स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी शिक्षा दीक्षा ली, एक अच्छे से घर में एक अच्छी परवरिश उन्होंने पाई, जिसे बोलते हैं धन दौलत पैसे, उनके उन्होंने अपने बचपन में किसी चीज़ की कमी नहीं देखी उन्होंने। जी 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 जी, सब सारे संपदा से वो संपूर्ण थे, लेकिन उसके बावजूद सब इस सब के बावजूद वो एक क्या बोलते हैं धोती और कुर्ते में आए, धोती में आए, और उस समय के जो थे विंस्टन चर्चिल उन्होंने उन्हें ये क्या बोलते हैं उन्हें बोले नंगा अधनग्न फकीर कह के उनका अपमान भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन आज हम लोगों में क्या है, हम लोगों को कोई कुछ बोल दे तो हम लोग उसे कितना माइंड में ले लेते हैं, नहीं ये क्या है, हम उनसे कम दिखते हैं, हम उनसे खराब कपड़े पहनते हैं। वो जिनकी परवरिश बचपन में ऐसी थी उन्होंने उस जगह को छोड़कर किस जगह पर आए, ना ही अपने भारत में, अफ्रीका में भी उन्होंने अपने अपने परचम लहराया, अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया, और अगर कहा जाए तो अफ्रीका से ही उन्होंने अब अपने उनके व्यक्तित्व में बदलाव अगर हुआ तो वहीं से हुआ। और फिर चंपारण सत्याग्रह के चंपारण के बारे में तो सभी को पता है। देखिए हम ऐसी बिहार की बेटी को बहुत बहुत ही आभारी है, बहुत सैल्यूट करना चाहते हैं। देखिए सिर्फ लोग कहते हैं बिहार की महिला को ज्ञान कहाँ है, आप देखिए मैं अभी फिलहाल बिहार में हूँ, अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार में लोग कहते हैं कि यह रिपोर्ट बताता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर इतने नीचे है, आप सुने तो सही, अरे भाई बिहार को जाने तो सही, हमारे इतिहास को जाने तो सही। ये वही बिहार है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और महात्मा बुद्ध जैसे लोगों का नालंदा जो मतलब ज्ञान दीप था वो कहा, यही बिहार की तो देन है, बिहार की देन है। ये चाणक्य जिनकी नीति, जिनकी राजनीति की नीति को लोग लोहा मानते हैं, वो बिहार के ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अशोक भारत के कई क्षेत्रों तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, बिहार के ही तो है। मुगल साम्राज्य मुगल बादशाह को जिन्होंने हराया, शेर शाह सूरी, बिहार के ही तो है। थैंक यू मैम, बिहार में क्या नहीं है, बिहार में सब कुछ है, बस अपने युवा को शक्ति लानी है, जोश लानी है, और जो इतिहास को हम लोगों ने पीछे छोड़ रखा है उस इतिहास को अभी दोहराना है, बनाए रखना है उसको, लाना रिटर्न बैक। हाँ, लेकिन ये बात है कि शिक्षा में हमारा जो राज्य है वो काफी पीछे है, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक यहां हुए हैं, ये पीछे हैं, पीछे रहेंगे नहीं, ये हम लोगों को इतना जोश है कि हाँ अभी पीछे है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये पीछे नहीं रहने वाले हैं। ये हम बिहार वालों का कर्तव्य है कि अपने बिहार को एक नई दिशा दे, एक नया भारत का अभिन्न अंग बनाए, निर्माण में हम सब अपना अपना सहयोग दे, सिर्फ कहने से नहीं होता भाई, हम लोग कब तक ब्लेम करते रहेंगे नेताओं को, लोगों को दूसरे पर थोपते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। आप पढ़िए तो सही, किताबों को दोस्त बनाइए भाई, ये शिक्षा की
शिक्षा की पहचान है कि मैम यहाँ पे इतना देर से मैं थक रही हूँ, बट मैम के पास और भी बहुत सारे विचार हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। ये सब और सर्व सिर्फ और सिर्फ शिक्षा बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, दोस्ती कीजिए। भैया आप अभी सत्याग्रह पार्क में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। गांधी तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत शुरू से ही हैं। जी जी। और इनसे सीखने के लिए जीवन में बहुत कुछ है। जी। थैंक यू वेरी मच भैया। और देखिए ये हमारा जो इतिहास रहा इसको दोहराने का आवश्यकता है, समझने का आवश्यकता है। हमें आपस ही में, हम लोग आपस में जाति मूल वंश धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं। सिर्फ नेताओं का जो मोटो होता है, जो नेताओं का विचार होता है, उस पर हम लोग खड़े उतरते हैं। नहीं, हमें वो बिहार को रिटर्न बैक लाना है जो हमारा पहचान था, वास्तव में हमारा वो इतिहास था। तो थैंक यू मैम, एक बार मैं पुनः आप दोनों भैया का और मैम को बहुत बहुत आभार आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, आपने अपने इतिहास को बताया, लोगों को समझाया। अभी कई सारे लोग आपको देख रहे हैं, कई सारे लोग आपको समझ रहे हैं। और ये हमारी बिहार की बेटी है और हम भी बिहार के हैं, ये सारे लोग हमारे बिहार के हैं। और जो हमारा बिहार है, वास्तविक बिहार से आप रूबरू कहाँ हुए हैं? आप रूबरू तो होइए, फिर बिहार में कहेंगे कि नहीं अशिक्षा है, अशिक्षा अशिक्षा, ऐसा नहीं है भाई, बिहार में बहुत कुछ है, जानिए तो सही। ऐसे ऐसे लोग हैं और अच्छे अच्छे लोगों की वजह से ही हमारा देश आगे की ओर चलेगा, आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच पुनः। जी जी। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति यहीं से हुए हैं। जी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जी, जो बिहार की धरती का सबसे बड़ा होता है जी? तो हमारी धरती बहुत पावन धरती है और ये पूरे देश का नेतृत्व, देश की नहीं पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाली धरती है। जी जी। और ये गर्व है कि हम बिहारी। अरे थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हमें हमें बहुत बहुत ज्यादा स्वाभिमान है, बहुत ज्यादा गर्व है कि हम बिहारी है, हम बिहार के हैं। थैंक यू सो मच।